नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ अलग सी और कुछ चटपटी। आप अगर सादा दाल चावल बना रहे हैं तो उसके साथ ये खाने की रेसिपी हम आपको बताते हैं कैसे बनता है। तो ये देखिए, मैंने लिया प्याज और लहसुन और मिर्चा। तो हम बता रहे हैं ऐसी चटनी जो कि आपने कभी नहीं खाई होगी और कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, तो आज हम वैसी चटनी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने लहसुन ले लिया है और ये प्याज ले लिया है और ये मैं चार पांच मिर्ची ले ली है मैंने। तो लहसुन और प्याज को हम छील लेते हैं। तो आपको पता है लहसुन कैसे छीला जाता है, ये तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। सबसे आसान है, आपको फिर से बता दे रहे हैं, बड़ी वाली चाकू लीजिए और इस तरह इसको दबा दीजिए, बस ये हो गया। ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये छिलका निकल जा रहा है, बहुत ही जल्दी ये ऐसे मतलब लहसुन छीला जाता है। तो ये सारे लहसुन हम पहले छील लेते हैं। अगर आपके पास चाकू नहीं है तो आप कटोरी या बर्तन किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी लहसुन है आप इसे हाथ से भी छील सकते हैं। और एक तो आपको पता ही ऐसे लहसुन छीला जाता है, अगर ज़्यादा लहसुन है तो आप गर्म पानी ऐसे वगैरह वगैरह सब करके छील लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लहसुन और प्याज को मैंने छील लिया है और इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। तो प्याज को हम सबसे पहले काट लेते हैं, प्याज को हम छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे नहीं, तभी इतने स्लाइस में हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह हम प्याज को सारे कट कर लेंगे, तीनों प्याज को हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम गैस को जला लेते हैं और उसके ऊपर एक पैन रख देते हैं। पैन रखने के बाद उसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तेल जब मेरा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियां। सबसे पहले हम लहसुन को फ्राई करके निकाल लेंगे। गैस की आंच को कम कर देंगे। इसको फ्राई करते रहेंगे जब से ये मेरा गोल्डन कलर नहीं आ जाता लहसुन में। इसको हम चलाते रहेंगे लगातार कि ये जले ना मेरा, और बीच बीच में इसे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे मेरा कलर आ रहा है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, बस इतना ही मुझे करना था। एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे, स्टील के प्लेट पे निकालेंगे क्योंकि गरम चीज़ कांच में नहीं निकाला जाता, कांच फूटने का डर रहता है, तो स्टील के प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए तेल मैंने गरम कर लिया है, दो चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें हम, और इसमें हम डालेंगे प्याज, कटा हुआ प्याज जो मैंने डाल लिया था। मिर्चे को हम बीच में से कट कर लेंगे कि फ्राई करते समय ये फटे ना, तो इस तरह मिर्चे को भी डाल देंगे। हाँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह मिर्चे को हम बीच में से कट करके डाल देंगे। मिर्चा डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से दोनों को मिला के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच और इसे हम चला लेंगे। इसमें हम डालेंगे दो चम्मच अमचूर पाउडर। डालने के बाद फिर से इसे हम चला लेंगे। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया डंठल के साथ। डालने के बाद इसे भी हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद जो लहसुन को मैंने फ्राई किया था उसे भी हम डाल लेंगे और इसे हम पकाएंगे नहीं दोनों मिक्स करने के बाद। अब इसे हम गैस को बंद कर दिए हैं। तो अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें नमक, तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें हम। तो आप सोच रहे हैं ये कैसी चटनी है। तो ये चटनी अब बन के तैयार भी नहीं हुई है पूरी तरह से। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो ये देखिए मिक्सर जार मैंने ले लिया है। अब इसे हम जो मेरा चटनी
ठंडा होने के लिए रखे थे, अभी से हम पीस लेंगे। थोड़ा सा गर्म ही रहेगा तभी हम इसे पीसेंगे, जो आसानी से पीसा जाए। अगर आपको पीसने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं पीसा जाएगा, तो आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। अभी से हम बंद करके पीस लेते हैं, तो पीसने के बाद आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, तो पीसने के बाद कुछ इस तरह है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं चटनी को। गर्मा गर्म चटनी दाल चावल के साथ इसे सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी आएगा खाने में। तो आप लोग देख सकते हैं ये लहसुन प्याज और मिर्च की चटनी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और पता भी चल जाएगा ये लहसुन प्याज की चटनी है। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।